शरारती थे जो लड़के थे मैंने उनको कहा अब तुम लोग फैसलाबाद कैसे जाओगे पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ वो जनाब छुट्टी वुट्टी लेके घर घर जाके उन्होंने दोनों ने पासपोर्ट बनवाया हाँ। अगले दिन जो है वो लेके आए उस वक्त पासपोर्ट जल्दी बन जाता था तो उन दोनों ने पासपोर्ट बनवाया और सीधा जाके ना मैनेजर को दे दिया मैनेजर साहब कह रहे हैं तुम कहाँ जा रहे हो कहीं बाहर जा रहे हो टूर्नामेंट खेलने उन्होंने कहा नहीं फैसलाबाद नहीं जाना कल उन्होंने कहा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है होगा अले sure okay. ब <laughs> 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 आजकल ही ज़्यादा एक्साइड हो क्योंकि एक्चुअली वो आपको होता है ना कि पैशन भी होता है एंड टुडे हूँ वी आव ऑन द शो ही इस फॉर्मर पाकिस्तानी कैप्टन ट्रेमेंडस ऑलराउंडर फ्रॉम पाकिस्तान अ ग्रेट ट्रैवलर और जितने भी लोग आईम शोर sure मैं सिर्फ वैसे ही आपको नाम बताऊंगा यू गाइस विल

शुरू, शुरू से, से शुरू करते हैं।, हैं कब से याद है कब से ट्रैवल कर रहे हैं चाहे वो पहली ट्रेन का सफ़र हो पहले बस का सफर हो पहली फ्लाइट हो क्या अर्ली एज मेमोरीज हैं ट्रैवल की फर्स्ट uh, वाली की अगर बात करेंगे तो बहुत बुरी थी क्योंकि उस वक्त थोड़ी सी होश आ चुकी हुई थी पता था कि क्या चीज़ जब मार पड़ती है तो उसकी दर्द होती है तब उस एज uh, ग्रुप में आ चुका हुआ था मैं हम लोग जब मैं पैदा हुआ सियालकोट में तो वी मूव्ड फ्रॉम सियालकोट टू कराची okay. क्योंकि फादर जो थे उनकी तारिक रोड पे शॉप थी दिस आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली एटीज़ तो वी मूव टू कराची और हम लोग फिर तकरीबन दस दस या ग्यारह साल हम लोग यहीं रहे हैं कराची में फिर okay. तो उसके बाद व्हेन वी वी वर मूविंग बैक टू सियालकोट क्योंकि अम्मी को थोड़े इश्यूज हो गए थे हेल्थ इश्यूज हो गए थे सो वी हैड टू मूव बैक टू सियालकोट सो वी मूव बैक टू सियालकोट और ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और ट्रेन जैसे ही सियालकोट पहुंची बहुत सारे आवर्स के बाद मुझे बहुत ज़ोर का ससू आ रहा था तो मैं जैसे ही ट्रेन रुकी है मैं मैंने जंप मारा है और मैं उस वक्त था आई गेस ग्यारह बारह साल का हूँगा मैं okay. जैसे मैंने जंप मारा है और मैं अब कोई चीज़ ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से मूव हुए थे तो पंजाब का कल्चर से मैं फमिलियर नहीं था okay. जैसे ही जंप मारा है और मैं नीचे उतरा आगे आ, हम उसे कहते हैं छोटी वो जो आ, नाली टाइप होती है लेकिन वो थोड़ा बड़ा था होल बड़ा था। हाँ और वो ना ऐसे मुझे लगा कि पक्की जगह है ओके। तो मैंने कहा नहीं बाहर खड़े होके तो नहीं ये हो सकता <laughs> तो मैं जरा अंदर जाके <laughs> मैंने जम किया वो अंदर कीचड़ था बस फिर मैं आहिस्ता 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 नीचे जाना शुरू हो गया सुसु मेरा पता नहीं कहाँ गया घर वाले जो मेरे थे वो उन्होंने पीछे से आवाज़ें देना शुरू कर दी तो जब अम्मी ने मुझे देखा कि ये जनाब ने ये कर दिया है बस फिर वो लोग वो गए उन्होंने मुझे बाहर निकाला और उसके बाद उसके ऊपर बजाय मुझे प्यार देती वो उन्होंने और दो चार लगाई ऊपर से वहाँ हमें हमें पता क्या है हमें चीज़ भी ऐसी समझ आती है जब पढ़ती है ना दो चार वो रहा था कि हा, पढ़ती हा, नहीं, तो सबार, नहीं सबार करते दे और अगर ना पढ़े ना तो हमें समझ भी नहीं आती तो ये मेरा जो है ना फर्स्ट वाला जो ट्रेन का सफर था वो ये था और उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम हाँ ये स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है हम लोग अंडर फिफ्टीन वर्ल्ड कप खेल के आए इंग्लैंड से तो हमारी टीम में इंग्लैंड uh, अंडर 19 की टीम सेम ईयर में इनफैक्ट राइट आफ्टर व्हेन वी प्लेड अंडर फिफ्टीन वर्ल्ड कप इन इंग्लैंड जब वापस आए तो अंडर 19 की टीम आई और उसमें सिलेक्शन हो गया अब दो लड़के जो थे uh, वो थे फैसलाबाद के okay. फैसलाबाद या कहीं कोई ऐसी जगह थी मुझे एग्जैक्टली या हाँ पंजाब साइड के थे तो हमारा फर्स्ट वाला जो मैच था वो था फैसलाबाद में तो उस वक्त फ्लाइट होती थी बिटवीन लाहौर टू फैसलाबाद सेवेंटीन मिनट्स की फ़्लाइट होती थी वो अच्छा। जी उस टाइम पे वो फ्लाइट होती थी सत्रह मिनट की सत्रह मिनट की फ्लाइट तो मैं आ, अब ना हम शरारती थे तो दो, दो वो जो लड़के थे मैंने उनको कहा वो तुम लोग फैसलाबाद कैसे जाओगे कह रहे हैं हाँ प्लेन में जाएंगे जहाज पे हाँ जहाज़ पर जाएंगे मैंने कहा तुम लोग तो पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ तुम कैसे जाओगे तो वो जनाब दोनों छुट्टी वुट्टी लेके घर गह, घर पहुंचे घर जाके उन्होंने दोनों ने पासपोर्ट बनवाया हाँ। अगले दिन जो है वो लेके आया उस वक्त पासपोर्ट जल्दी बन जाता था तो उन दोनों ने पासपोर्ट बनवाया और सीधा जाके ना मैनेजर को दे दिया मैनेजर साहब कह रहे हैं तुम कहाँ जा रहे हो कहीं बाहर जा रहे हो टूर्नामेंट खेलने उन्होंने कहा नहीं फैसला बंद नहीं जाना कल उन्होंने कहा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है कई शेख में तो बोले बाद फिर वो मेरे पीछे आए फिर दो चार उनसे भी खाई मैंने तो इस तरह की चीज़ें बहुत की हुई हैं फिर एक वाकया है कि Uh, मैं लीग खेलने गया फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में लीग hmm. क्रिकेट तो अब कोई आइडिया नहीं था कैसे ट्रैवल करना है hmm. हाँ गाइडेंस चाहिए दिस वाज़ योर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेवल द टीम everything is organized, थीक थीक you just have to sit on your seat. हाँ, इज ऑर्गेनाइज नहीं लगानी आती वो दूसरी चीज है लेकिन सम, समझ लेता है यार okay. साथ अच्छा, चीजों का नहीं पता हो ना, हाँ। तो आप शर्माते नहीं हाँ। के पूछने में हाँ। आप ये नहीं फील करते यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा लेकिन जब आपको चीजों की थोड़ी समझ आ जाए जब आप एक ऐसे एज ग्रुप में चले जाए जहाँ पे यू यू स्टार्ट थिंकिंग टू आइस बिफोर आइस बिफोर आस्किंग सिली क्वेश्चन सीट बेल्ट कैसे लगानी है तो वो एक ऐसा टाइम था तो अब आ, मुझे आ, किसी अंडर 19 के टूर पे जाना था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वापस बुला लिया कि आप आएँ ट्रैवल करना साउथ अफ्रीका के लिए मैं इंग्लैंड में था अब जिन भाई जो भाई मुझे आ, मैं बर्मिंगम में था जिस भाई ने मुझे बिठाया वॉल एक जगह है बर्मिंगम के पास हाँ। उन्होंने बस में बिठाया मुझे टाउन में से और उन्होंने कहा बर्मिंग ये बस ले जाएगी आपको वहाँ आपने उतरना है फिर आप एक और बस लेंगे वो आपको लंडन लेके जाएगी फिर लंडन से आप जो है आपको आगे गाइडेंस मिल जाएगी तो आपने वहां से फ्लाइट लेनी है अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट okay. अच्छा यू द गाय एक्सप्लेन इवन द बस ड्राइवर कि इसको इस जगह उतारना है मुझे समझाने के बाद okay. और उन्होंने अच्छी ये, ये चीज़ की कि मुझे बिल्कुल ड्राइवर की बैक वाली जो सीट थी ताकि वो मुझे देख सके कि इस बशिंदे को यहाँ उतारना है इस, 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 इसको तो नहीं भूलना हाँ इसको नहीं भूलना अब मैं जिस जगह से बैठा था वो टाउन से बस हो के हर चीज़ हो के मैं वापस जिस जगह पे उसने मुझे बिठाया था मैं वहीं आ गया और मैं एक वाहिद पैसेंजर था जो नहीं उतर था पूरा राउंड लेके के का पूरे मैं पूरे हाँ मैं जागा हुआ था वैसे एक ये, ये मेरा बड़ा मसला है बस हो मोटरसाइकिल हो हाँ अगर मैं नहीं चला रहा तो कुछ भी हो मैं सो जाता मेरी हाँ जहाज़ हिल रहा है जहाज़ कोई भी ट्रविलेंस है मैं सो जाता तो हूँ बहुत मजे कहीं भी आराम से कहीं कहीं भी तो वो जनाब जिन्होंने मुझे बिठाया था वो जहाँ से मैं चला था मैं वहीं आके वापस अब मैं खड़ा हूँ मैं मैं सोच रहा हूँ ये तो वही जगह जहाँ से मैं बैठा था मैं यहाँ कैसे आ गया वापस हाँ। तो फिर मैंने उनको जो है उस वक्त सेल फोन नहीं होते थे ये मैं बैक इन द दे डेज दे 96 की बात है ये जो मैं ये स्टोरी सुना रहा हूँ तो उसके बाद मैंने उनको वो जो बूथ होता है वहाँ से या, या, या। हाँ वहाँ से मैंने वो टेन पेन्स थे मेरे पास जो भी था मैंने डाल गया ना शुक्र है मेरे पास नंबर जो था मैं वो मेरे पास शुक्र है नंबर लिखा हुआ था नहीं तो मैं वहीं कहीं पैसे वैसे भी बस वही थे जो थे थोड़े बहुत और उसमें ये नहीं होना था कि कोई होटल आईडी कोई नहीं था कि होटल भी लेना होता है क्योंकि अंडर फिफ्टी ड्राइवर ने नहीं कहा कि भाई वो भी भूल गया ना वो भी अंकल थे वो भी भूल गए मेरी तरह वो भी ये सोच रहे होंगे कि यार ये कहाँ से बैठा था उसको भी भूल गए बस मुझे आना था वापस वहां पे मेरी फ्लाइट मिस होनी थी मुझे वापस आना था ये हुआ मेरे साथ तो फिर आपकी फ्लाइट मिस हो गई मेरी फ्लाइट क्या मेरी हर चीज मिस हो गई oh <laughs> अच्छा टॉक अबाउट योर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल ठीक है

तो फर्स्ट ट्रिप जो था मेरा वो ज़ाहरी बात है अंडर फिफ्टीन वर्ल्ड कप का था तो वी ट्रेवल्ड इन इन ओके और पाकिस्तान टीम से जब मैं खेला नेशनल टीम से uh, तो इवन अंडर नाइनटीन का जो टाइम था वो भी इकोनॉमी uh, क्लास का था ओके okay. और uh, वो ऐसा टाइम होता था कि उस वक्त ना हमें हमारी गुड लक थी या क्या थी हमें जो uh, वो तो वो होते थे जंबो प्लेन 747 उस वक्त बहुत ज्यादा इन थे लॉन्ग फ्लाइट्स फ्लाइट के फ्लाइट लिए के वो ही जाते थे, थे।, 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 थे तो उनकी ना उनकी सेटिंग्स ऐसी थी कि बीच में चार सीट्स होती थी चार होती थी सम टाइम इधर भी चार-चार होती थी क्योंकि बड़ा प्लेन होता था तो हमें एम्प्टी सीट्स मिल जाती थी हम उसकी वो बीच वाली जो जहां पे आप जो सोफा लाम उठा के हम जो है वो सो जाते थे हम हमने तो बस में सफर किया हुआ था हमेशा तो हमें वही पता था जहाज सिर्फ ये है कि ऊपर चलता है हां बस बेचक नीचे चलती है फीलिंग्स हाँ। वही लेकिन क्या उन पैसेंजर्स में से हैं जो कहता कि खिड़की वाली सीट पे मैं बैठूंगा हाँ हा, बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं लेकिन डर भी लगता है मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं अभी तक हाँ। जब मैं ट्रेवल करता हूँ वो कहते हैं कि अगर उनकी विंडो सीट है तो वो आपसे चेंज कर लें लेकिन जो परसेंटेज है जिनको विंडो सीट चाहिए वो फिर भी आई गेस

मैं ये जो आ, क्या कौन सी सीट उसे कहते हैं जो एरस की होती है या आ, इनकी जो सीट होती है क्रू वाली जो सीट, है। सीट से मैंने उस पर भी ट्रेवल किया हुआ क्योंकि आई वॉज विद पी और पी जो था वो आपको टिकट्स देता है हाँ। लेकिन अगर कोई पैसेंजर आ गया तो आपकी सीट कैंसिल हो जाती आप है आप उस वेटिंग लिस्ट में होते हैं अगर फुल हाँ। हो गया तो फिर आपको हाँ। हाँ वो इस तरह होता है तो बहुत दफ़ा इस तरह हुआ कि अगर पीआईए का बहुत इंपॉर्टेंट मैच आ गया या मुझे घर पहुंचना है तो मैंने उस सीट पर भी ट्रेवल किया तो वो भी बड़ी मजे की सीट है जगा के रखती है वो वाइट सीट है जहाँ पे मैं सोच नहीं पाया वरना मैं सो जाता तो हूँ सब जगह तो रहते हैं हाँ उसमें ऐसे बैठे रहते हैं वो तो लोग आपको बुला के ये भी कह देते हैं भाई पानी ला दो ये ला दो <laughs> अच्छा बिजनेस क्लास का कैसा एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम बिजनेस क्लास में कब बैठे ये पीसीबी की तरफ से था मतलब टूर पे थे कहाँ जा रहे थे क्या एक्सपीरियंसेस थे उसके बिजनेस uh, क्लास में हम हाँ पाकिस्तान टीम से जो है वो बैठना शुरू हुए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बिजनेस क्लास कब कल्चर शुरू हुआ कि पहले तो इकोनॉमी में जाते थे ये वाला कल्चर किस दौरान शुरू हुआ अब आपको खेले हुए कितना टाइम हो गया था जब मैं टीम में आया था उस वक्त ये भी था कि अब तो आईसीसी के रूल्स आ गए हैं कि एक बंदे को इंडिविजुअल रूम मिलना चाहिए वरना पहले सम टाइम ऐसा होता था कि सिर्फ सीनियर्स जो हैं दे यूज्ड टू गेट अ सिंगल रूम वरना रूममेट्स होते थे Okay. 99 तक 2000 तक हाँ, 99 में जब मैं टीम में आया हूं, तो उस वक्त यही था कि होते थे थे क्योंकि हम लोग और उस टाइम पे भी यही था कि ओके पहला याद थानियस थाट नाइन्टी 99 में, 99 में आ, आ, यूसुफ भाई जो थे वो okay. काफी टाइम तक हम लोग रूममेट्स okay. रहे हैं मैं आ, ए टीम के टूर पे मैं रूममेट रहा हूँ अजहर भाई का अजहर महमूद शुएब अख्तर उनका भी और आ, यूसुफ भाई के साथ मेरा सबसे ज्यादा टाइम गुजरा है मोहम्मद यूसुफ के साथ बेस्ट रूममेट कौन है बेस्ट रूममेट देखे आ, सब लोगों में जिनके साथ मैं रहा हूँ <laughs> उनमें सब में अबिलिटीज थी डिफरेंट डिफरेंट तो बहुत इंजॉय किया कुछ ये थे जिनको बाहर जाना बहुत पसंद था कुछ ये थे कमरे में ही जो है वो पुराने से सी डी प्रेशर कुकर टाइप उस वक्त आते yeah. थे वो गोल गोल तो वो लगे होते थे तो म्यूज़िक चल रहा होता hmm. था तो ये है कि इसी इसी मतलब मेरे रूममेट्स हाँ मुझसे बड़े थे hmm. तो मैंने उनसे ये चीज़ें सीखी और मैं डिफरेंट डिफरेंट जो है आ, आ, उनकी मतलब जो आ, सोच थी hmm. एक को अगर बाहर जाने का शौक़ है तो एक को रूम में बैठने का एक को बाहर जा के खाना खाने का तो एक को रूम में एक को म्यूज़िक सुनने का तो, इसीलिए ना उनकी वजह से एंड थैंक्स टू देम कि मैं ऐसा हूँ कि आप मुझे बोलेंगे कि बाहर चलो तो, या आप मुझे बोलेंगी कि नहीं होटल में ही खाना खाना है यहीं रहना है मैं दोनों के लिए आई एम ओके तो इसीलिए मैं, मतलब मतलब आ आ, मैंने ये भी किया है की कि मैंने अपनी आ, अगर मैंने अपने पैसों से भी बिजनेस क्लास सीट ली है और अगर कोई ऐसा पैसेंजर आ गया है कि जो अनकंफर्टेबल है या नहीं बैठ पा रहा या किसी को इंजरी है कुछ तो मैंने उसको भी सीट दी है मैं मतलब चले जाओ पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता So nice. तो और मुझे ये भी नहीं फ़र्क पड़ता कि नहीं जी मैं कुछ हूँ तो मुझे बिज़नेस क्लास में ही ट्रैवल करना है या फर्स्ट क्लास हाँ बहुत दफा ऐसा भी हुआ कि मेरी बिज़नेस क्लास की सीट थी आ, अमेरिका की फ़्लाइट है या ऑस्ट्रेलिया की या जो लॉन्ग फ्लाइट्स हैं न्यूजीलैंड की हो गई तो उसमें बहुत दफा ऐसा हुआ कि मैं सोच के अपनी तरफ से ये प्लान गया कि अब मैं जाऊंगा अब मैं ये वाली मूवी देखूंगा अच्छा मैं ऐसे बैठूंगा वो बिजनेस क्लास का आपके वो दिमाग में होता है कि यार चलो मैं सो भी जाऊंगा और मुझे अपग्रेडेशन मिला मतलब काफी दफा इस तरह हुआ कि वो फर्स्ट क्लास में भी बैठ गए तो फर्स्ट क्लास वाला भी जो ये था लेकिन फर्स्ट क्लास में बोर हो गया क्योंकि वो कैबिन बंद हो जाता है हा। हाँ एमिरेट्स का वो बंद हो जाता है और मैंने कहा यार अब तो किसी से बात भी नहीं कर सकते ऐसे लगता है किसी कॉलोनी में आ गए हैं जहाँ पे छोटे-छोटे घर बने हुए बट बिजनेस क्लास इज गुड फॉर यू बिजनेस क्लास इज यस एज लॉन्ग एज आई गेट टू माय डेस्टिनेशन आई एम ओके वो चाहे वो वाली केबिन क्रू वाली सीट भी हो वो भी चल जाएगी <laughs> अच्छा अगर हम बात करें ट्रैवलिंग की तो कितने परसेंटेज वर्क रिलेटेड था और कितना वेकेशन किया है आपने जो यू you नो know, कहते हैं ना कि यार अब on my own, अब ऑन माय ओन मैं जा रहा घूमने के लिए uh, मेरे लिए ये रहा कि जब मैं uh, लीग्स में बहुत खेला हूँ और uh, मेरे अल्लाह uh, का शुक्र है कि ओवर 500 मैचेस हैं टी uh, ट्वेंटीज़ के तो मैं लीग्स बहुत खेला हूँ तो लीग्स में ये है कि वही मेरी uh, जो है छुट्टी होती थी ओके okay. हाँ और मैं मैंने अपनी लाइफ में इवन दो आई प्लेड फॉर पाकिस्तान फॉर अबाउट ट्वेंटी टू ईयर्स ट्वेंटी थ्री ईयर्स लेकिन मैंने जो सबसे ज़्यादा सीखा वो जब मैं लीगस खेलने गया क्योंकि जब आप अकेले ट्रैवल करते हैं तो फिर मतलब आप आप ही हैं अब आपने सारी लैंग्वेजेस भी देखनी है उसमें से इंग्लिश ढूंढनी है फिर आपने आप, अपनी फ्लाइट देखनी है फिर उस उसको देखना है फिर आपको टाइम बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता था कि आपको अपार्टमेंट मिलता है अगर आप कहीं लीग खेलने जा रहे हैं सर्विस डपार्टमेंट बट वो सर्विस डपार्टमेंट वो होता है वीक में आपको तीन दिन मिलती है वो सर्विसेज ठीक <laughs> है उसमें आपको अपने कपड़े खुद धोने हैं और मुझे ना मुझे बड़ा मसला है अगर रूम में गंद है कोई चीज़ जगह पे नहीं पड़ी हुई मैं नहीं सोच सकता तो मुझे उसको जगह पे रखना है उसी टाइम में मैंने ये भी सीखा कि बहुत सारी चीज़ें कैसे बना सकते हैं मतलब खाने खाने पीने वाले और उसमें यह है कि हाँ आपको गाड़ी भी मिलती है लेकिन मैं मैंने मतलब अकेले बहुत रहा हूँ मैं मैं अकेले मैंने खाने भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अकेले बैठ के मैंने खाए हैं ये नहीं था कि दोस्त नहीं थे, थे बट जहाँ मैं, फॉर example ऑस्ट्रेलिया हाँ, मैं होबार्ट में था और वो everything shuts at six p.m. वो ये सायबिंटो होता है, हाँ तो आपको पता ही होगा वहाँ पे, वहाँ पे तो परिंदा नहीं मिलता जिसे बंदा बात कर ले किसी को नहीं लगेगी, आप आंखें बंद करके चलाएं हाँ पानी की तरफ ना चले जाए but yeah Hobart is like that

Satisfying your own self. Hmm. फिर मजा भी आता है ना अगर आपको पसंद है तो फिर आपकी बाकी चीजें भी जो होनी चाहिए और मजे की होनी चाहिए। लेकिन खुले डुले कपड़े होने चाहिए हाँ, तो ये लगर... नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता मैं तो शॉर्ट्स रखता हूँ अपने हैंड कैरी बैग में जैसी लंबी फ्लाइट है फ्लाइट ने टेक ऑफ हुआ अंदर जाके चेंज कर ली नाइस और पैकिंग कौन करता है आपकी पैकिंग, पैकिंग मैं, खुद करता, हूं। okay. पैकिंग मैं खुद करता हूँ वो पैकिंग मैं इसलिए खुद करता हूँ कि अगर आप मेरा सूट केस खोलेंगी ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये किसने की है पैकिंग क्यों? आप मैं पूरे आउटफिट्स अपने बना के नीचे उसके शूज़ होता है शूज़ जो है कवर में होते हैं उसके ऊपर वो सेम आउटफिट जिसके साथ वो जूते जाने होते हैं जमा के वो पूरा जमा के फिर मैं ये काउंटिंग करता हूँ अच्छा इफ़ आई एम गोइंग अब्रॉड फॉर ट्वेंटी डेज एट

तो मैं अपना वेल well प्लान जो है वो जाता हूं और मेरे जो भी मेरा सूटकेस देखता है वो कहता है कि यार ये इसने ये जो है ना ये बस क्या है इसको कुछ है हाँ। अच्छा हमने सुना है कि आपकी पैकिंग में आपका आपका स्मूदी मेकर प्रोटीन ये सूट केस. गे। 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 अगर वो नहीं मिला है तो फिर मैं एक छोटा बैग साथ में रख लेता हूँ जिसमे मेरे सारे इंग्रीडियंट होते हैं जिसमें मुझे स्मूदी की पूरी चीजें चाहिए बट मैं मुझे इतना अच्छा लग रहा है आ, मर्दों के मुंह से नहीं सुन से कि इतना मेरे ख्याल से अकेले रहे हैं तो फिर शायद वो आदतें उस तरह से डेवलप होती गई मैं दूसरों का भी काम कर देता हूँ अगर मैं हाँ। दूसरे क्या? क्या क्या क्या? किसी, <laughs> किसी दूसरे के रूम में गए और उसका मैसी रूम देखा यार ये क्या है एयरक्राफ्ट में अगर किसी के बराबर में इतना ट्रैवल किया बंदा होना चाहिए तो बड़ा अच्छा सफर गुजरेगा ये नहीं होना चाहिए मुझे ना क्यों क्योंकि मैं क्रिकेटर हूँ तो मुझे इवन दो मोस्टली जो ट्रेवलिंग रही है वो तो क्रिकेटर्स के साथ ही आ, रही है तो मुझे ये है कि मेरे प्रोफेशन पे नहीं बात करो अच्छा। अगर मेरा ऑफ टाइम है ना तो मुझे नहीं करनी है बात और मुझे प्लेन में नहीं करनी बात मुझे एंजॉय करना है मुझे हाँ मुझे सोना है मुझे मूवी देखनी है हाँ या मुझे तस्वीर पढ़नी है ओके हाँ, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है कि हाँ इवन दो अब आपको वाईफाई मिल जाता है फोन पे फिर hmm. मैंने अभी तक आज तक मैंने अपना फोन कनेक्ट नहीं किया वाईफाई के साथ आज तक एयरक्राफ्ट में एयरक्राफ्ट में देर इज नो वे आई कुड डू दैट क्योंकि आपको आपको होता है कभी ऐसा भी होता है जरूरी नहीं कि चलो वहां पे तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि यार चलो आपके पास कोई ऐसी चीज है यू कैन बी अवे फ्रॉम समथिंग यू आर ऑलवेज ऑन जैसे फोन हो गया रूम में भी अगर मैं जा रहा हूँ अब फॉर एग्जांपल आज मैं सुबह से दिन शुरू हुआ हुआ ठीक हाँ। है अब मैं रूम में जाऊंगा ना सो आई मेक श्योर कि हाँ। मेरा सेल फोन जो है ना वो मेरे पास नहीं होगा मैं रूम में जाऊंगा मैं उसे बिल्कुल साइड पे कर दूंगा तो ये ये मेरी वो चीज़ है मुझे मी टाइम जो है ना वो चाहिए होता है आपको तकरीबन एक दिन में कितने घंटे का मी टाइम चाहिए होता है मुझे एटलीस्ट टू टू थ्री आवर्स जो है ना वो मी टाइम चाहिए जिसमें वो सिर्फ इसलिए नहीं होता मी टाइम के मैं मैं तंग आ गया हूँ <laughs> नहीं वो मी टाइम मुझे इसलिए भी चाहिए कि मैं अपने मैं मेरे क्या गोल्स हैं लाइफ में मेरे क्या गोल्स हैं मेरी क्या, है, क्या प्रायोरिटीज हैं क्योंकि वंस योर जस्ट ऑन योर टोज तो वो आप ना बस वो मोमेंटम में चलते रहते हैं चलते रहते, है। रहते हैं तो वो नहीं मुझे तो इतना टीम के साथ वैसे ट्रैवल किया और क्रिकेट के लिए किया तो जब टीम ट्रैवल करती है किसी टूर पर जा रहे हैं किसी सीरीज के लिए जा रहे हैं तो वायल ऑन द एयरक्राफ्ट बात नहीं करते हैं टूर के बारे में या एक दूसरे से या सब खामोश रहते हैं या इसी तरह की तबीयत होती है कि यार अभी क्रिकेट की बात नहीं करेंगे अभी बस मी टाइम इंजॉय करेंगे नहीं अब देखिए सब लोगों की डिफरेंट नेचर है कुछ लोग जो है उनको सीट पे नहीं बैठा जाता उनसे उनको बस ये है कि उठो सीट से उठो कभी किसी के साथ बात करो कभी किसी के साथ हाँ बहुत सारा ऐसा टाइम भी रहा कि जहाँ पे एयर से बात हो रही है क्योंकि उनको कोई अब आ, मैं आपको एक कहाँ से हम लोग आ रहे थे वापस हम लोग आ रहे थे जिम्बावे से वापस बट हमारी फ्लाइट थी जिम्बावे से उसने पहले जाना था जोहानसबर्ग फिर वहाँ से उसने वापस दुबई आना था एमरेट्स ने तो अब उसमें जो एयरस थी वो साउथ अफ्रीकनस थी और कुछ जिम्बावे की थी और इसी तरह मिक्सचर था कुछ ऑस्ट्रेलिया की थी तो वो क्रिकेट की शौकीन थी ऊपर से हमारा वो ऑफिशियल ड्रेस भी होता है तो उन्होंने बातें शुरू कर दी अब वहाँ पे हमें मी टाइम नहीं चाहिए था <laughs> <laughs> सही है जबर तो फिर हमने हाँ उनको चीज़ पसंद थी ऐसा सेट कि मैं दूसरों के लिए भी जो है ना चीज़ें कर लेता <laughs> <laughs> तो मैंने उनके लिए कर ली मैंने नई मूवी देखी अच्छा कौन है जिसको सीट पर नहीं बैठा जाता कौन से ऐसे कोई दो एक नाम आपको याद है कि यार जब हम टूर्स पे होते हैं ये बंदा हमेशा बातें करने के लिए आ जाता है हमेशा, हमेशा कोई नहीं आता अच्छा। क्योंकि हम जब टूर्स <laughs> पे जाते हैं तो उससे पहले हमें इतना तोड़ दिया जाता है ट्रेनिंग में आ, ट्रेनिंग में प्रैक्टिस में जो कि अच्छी चीज भी है हाँ। आ, तो हम फिर फ्लाइट में बैठते और मोस्टली आपको पता है जो फ्लाइट जिनका कनेक्शन मिलता है दुबई से वो रात में मिलती है ऑफ द नाइट और आप ऑलरेडी कैंप्स में जो है है आपकी रूटीन बनी हुई जल्दी उठना जल्दी सोना तो वो आधे लड़के जो है ना वो मरे हुए होते हैं फ्लाइट में अच्छा कोई ऐसा आपका क्रिकेटर कंपेनियन है जो सेल्फीज लेता हो हर जगह मतलब अब कौन नहीं लेता अब आप ये पूछे कि कौन सा है जो नहीं लेता सेल्फी तो सारे जो नहीं सारे जो है वो लगे हुए हैं मुझे शौक नहीं है मुझे मुझे नहीं है शौक

सो फॉर पीपल लाइक आज हम पे ज्यादा प्रेशर बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ हर जॉब कि हम yeah. कहाँ हैं कैसे दिख रहे, है, किस से रहे से हैं किस तरह से क्या खा रहे हैं hmm. क्या हो रहा है Maybe, क्योंकि आपके जॉब की नोयत और तो <laughs> yeah, like हाँ, so आपको क्या हो गया क्यों प्रेशर दे रहे हैं इस बात का हाँ सिर्फ इसी चीज में नहीं बस पिक्चर भेज दो <laughs> तीन दिन अगर नहीं आई ना तो भेज दो की खींच के भेज दो किया टीम के साथ और जब टूर्स पे नहीं टूर्स पे होते हैं और कोई ऑफ डे होता है कौन सा कौन से ऐसे एक दो प्लेयर्स हैं कौन से ऐसे टीम में दोस्त थे जिनका आपने बोला यार चलो बाहर चलते हैं या किन के साथ बाहर डिनर पे जाना या वैसे एक एक बड़ा एक कंफर्ट जोन है जिनके साथ कि यार ये दो तीन लोग मेरे साथ हों टीम में से तो आई आई एम गुड मेरे ख्याल में मैं जो है वो खेला हूँ फोर डिफरेंट डेकेट्स के जो प्लेयर्स हैं हर डेकेट में से एक बता तो <laughs> अब जो 90's वाले थे उसमें शोएब अख्तर अब्दुल रज़ाक, फ्रीदी आ, वो वाले आ, आ जाते हैं नो no डाउट ये शोएब अख्तर और अफरीदी या मोहम्मद यूसुफ अब्दुल रज़ाक ये तो खेलते रहे हैं टू थाउजेंड टेन तक खेलते रहे बल्कि लाला तो उसके बाद भी खेलते रहे हैं। तो इनके साथ ही कंफर्ट जोन है कि हम चलो बिल्कुल आज भी अगर एक दूसरे को कॉल करेंगे तो वो वही वो है वो और पुरानी बातें शुरू हो जाएंगी सेम जो बातें थी वही शुरू हो जाएंगी फिर एट द सेम टाइम उसमें ये भी थे उस टाइम तक कामरान अकमल सईद अजमल uh, हफीज हक uh, यूनस खान ये सारे थे फिर उसके बाद ये भी आगे uh, इमाद वसीम बाबर अजम हक uh, फारिस सोहेल तो मैं सबके साथ जो है ना इनके ये ये ऐसे लोग हैं कि जहाँ पे हम लोग प्लान करके चीज़ें जाते थे ओके okay. हाँ और इनके साथ ऐसा था स्पेशली uh, बाबर हम लोग वर्ल्ड uh, कप खेल रहे थे इंग्लैंड uh, में तो बाबर इमाम uh, yeah. हारिस माद वसीम और मैं हम लोग प्रैक्टिस सेशन के बाद हम लोग वापस आते थे होटल वी शावर एंड देन वी लीव द होटल एंड वी मेक श्योर वी कम बैक वैन वी आर रेडी टू स्लीप तो हम उसमें मूवी देखते थे हम उसमें खाना खाते थे oh. हम उसमें जाके स्नूकर खेलते थे तो हम लोग मतलब इस तरह की चीज़ें जो है आ, वो करते आ, करते थे और अच्छा भी है क्योंकि आपको ऑफ टाइम मिलता है अदरवाइज इफ यू आर जस्ट लाइक थिंकिंग अबाउट योर प्रोफेशन तो आप यू नॉट लिविंग लाइफ नो यू नॉट एग्जैक्टली और वैसे भी ना अगर आप किसी दूसरी कंट्री गए हैं तो उनका कल्चर आप देखें hmm. उसको उससे सीखें कि यार ये कैसा है और वैसे भी कि आप गए और आप वैसे भी आपका जो माइंड है वो खुलता है आपकी सोच खुलती है और इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपको डिफरेंट सिचुएशन हैंडल करना आता है एंड ऑफ द डे इट डज हेल्प इन योर प्रोफेशन ऑल्सो क्योंकि हुँ, आप हुँ. जो है ना बेसिकली आपको अपना दिमाग को यूज करना आना है हुँ. उसको लिमिटेड नहीं बनाना तो क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है ना कि ट्रेवलिंग करना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए और आप अपने एक छोटे से जो बबल के अंदर रह रहे हैं उससे निकलना बड़ा जरूरी है अच्छा आपने बताया कि आप अकेले खाना खाने के लिए भी चले जाते हैं अकेले मूवी देखने के लिए भी चले जाते हैं यू लाइक योर मी टाइम सो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अगर हम पाकिस्तान में सोचें कि अगर आप अकेले टेबल पर बैठ के खाना खा रहे हैं तो लोग कहेंगे हाय बेचारा है Whereas if you you compare it, you know हाँ. तो this is very फ्लाइट थी आ, कराची की और आ, वो कैंसिल हो गई okay. वो इसलिए प्लेन में कुछ खराबी थी जिसकी वजह से वो कैंसिल हो गई अच्छा। वो आपकी नहीं मेरी थी <laughs> <laughs> लेकिन तो डोमेस्टिक ना <laughs> हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छी है इसीलिए उन्होंने की अच्छा? तो वो आधे रास्ते में यूं हो गया था <laughs> हाँ, हम तो उस वाले प्लेन में भी डोमेस्टिक फ्लाइट की और मेरे ख्याल बाद शायद उन्होंने फोकर प्लेन्स बंद कर दिए मैं शायद क्योंकि वो फोकर था इमेजिन <laughs> तुम ऐसी फ्लाइट में हो <laughs> नहीं मैं नहीं हूँ। <laughs> मैं फ्लाइट में नहीं हूँ। अच्छा कमिंग बैक आप बता रहे थे अच्छा परसों वो फ्लाइट कैंसिल हो गई तो वो 415 की फ्लाइट थी इन द आफ्टरनून और फिर 945 पे वो चली गई वो फ्लाइट तो मैंने कहा सिंस आई एम लाहौर क्योंकि मैं सियालकोट में था मैंने कहा लाहौर ना एक दो जो काम है वो कर लेता हूं Sorry. तो वो इमरजेंसी वाले चीज़ थी तो लोग जिन जिनके साथ वो काम थे कोई कहाँ था कोई कहाँ था एक दो मीटिंग्स हो गई जो थर्ड वाली मीटिंग थी उनको मैंने कॉल किया मैंने कहा मैं आपके आ, उनका सेकंड कप है मैंने कहा सेकंड कप पे मैं आ रहा हूँ तो अगर आप वहाँ हैं तो आपसे बात हो जाएगी उन्होंने कहा आप ज़रूर आए छः बजे का टाइम डिसाइड हुआ मैं एक शार्प सिक्स आई वॉज एट सेकेंड कप गुलबर्ग में okay. अब ना ऊपर उन्होंने स्पेशल सा एक रूम रखा हुआ है तो मैंने क्योंकि उनका अपना है तो मैं मैंने वो जो नीचे वेटर्स थे मैंने उनको कहा यार मैं ऊपर ही बैठ जाता हूँ अब मैं ऊपर गया तो वो फुल था ऊपर भी लोग थे सही है। अब मैं अकेली टेबल पे जाके बैठा हूँ आई सैट देर फॉर लाइक फोर्टी फाइव मिनट्स अब मैं कभी अपना फ़ोन निकाल रहा हूँ <laughs> कभी किसी से बात नहीं जिनको नहीं फ़ोन किया था मैंने उन लोगों को फोन किया मैंने कहा यार अच्छा वो अब लोग ना आपकी तरफ देख रहे हैं कि यार ये क्या है शायद किसी का इंतज़ार कर रहा है हाँ। शायद कोई डेट पे आया है क्या हो रहा है यहाँ पे अब मैं कभी किसी को फ़ोन कभी किसी वहां से आगे से लोग मुझे कह रहे हैं यार तेरा फ़ोन हमारे स्क्रीन पे आया हम तो मतलब क्या क्या काम मतलब कभी बाहर नहीं हुई मैंने कहा नहीं नहीं काम वाम कोई नहीं है पाँच पाँच मिनट बात करो मुझसे टाइम हाँ। किल करो थोड़ा टाइम किल करो और दूसरी तरफ मैं उनको व्हाट्सअप करते जा रहा हूँ मैंने अच्छा आओ लॉन्ग आओ लॉन्ग <laughs> भी थी। so, तो हाँ यही अगर मैं बाहर बैठा हुआ होता hmm. तो मैं ये 45 इतने करता मैं फोन को साइड पे रखता मैं अच्छा सा खाना मंगवाता या कॉफी मंगवाता कुछ भी मैं उसको पूरा इंजॉय करता तो लेकिन एक चीज मुझे जरूर सीखने को मिली एंड आई एम ग्लैड दैट आई गॉट दिस ऑपरचुनिटी इन पाकिस्तान एज वेलट आई टू सिट अ लोन और टू डी विद एवरी थी

फिर नहीं फिर नहीं एक और आया लोग हैं यार बिल्कुल हैं एक पठान भाई आए वहाँ पे sweet. और ही ही वाज वाज सच अ स्वीट गाय एंड ही थॉट कि मेरे पास कोई नहीं है कोई कंपनी नहीं है जो कि बिल्कुल नहीं थी <laughs> 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 सच है वो आके मुझे कहता है आप हमारे साथ बैठो ना मैंने कहा नहीं आप बैठे नहीं नहीं मैं आपके लिए खाना ऑर्डर करता हूँ मैं ये ऑर्डर करता हूँ मैंने कहा इसके साथ गप हो सकती है ठीक है मैंने कहा आप बैठो वो मेरे साथ बैठ गए दो लोग थे अच्छा इतनी देर में ना वो टाइम होते होते अब वो आ गए अब वो आ गए देखिए कितने स्वीट होते हैं आई आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर पठान कम्युनिटी बहुत स्वीट है वो hmm. आप पिशावर चले जाएं या आप उस एरिया में चले जाएं वो आपकी इतनी मेहमान नवाजी करेंगे आप बोलेंगे यार क्या है यार ये मतलब दिल से ना दुआएं निकलती हैं अच्छा वो मेरे साथ बैठे उन्होंने मेरा टाइम स्पेंड करवाया गपशप हुई उनसे अब वो इतनी देर में ना

लेकिन अब इजी है आई थिंक वो करना चाहिए जो आपका दिल बोले hmm. ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे True. ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए आई इवन इफ इट टेक्स यू टू लर्न कि लोग क्या सोचेंगे और आप अपनी चीजें करो आपको दस साल लग जाए आपको बीस साल लग जाए बीस साल के बाद भी समझ आए ना तो करो hmm. हाँ. वो कहते हैं ना कि अगर हम यही सोचते रहे कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर वो एक्चुअली में क्या सोचेंगे ठीक है अगर उनका काम भी हम कर लेंगे तो फिर लोग और अगर आप गर नहीं भी वो करेंगे ना तो वो फिर भी सोचेंगे तो फिर भी हज़ार अच्छा, किस्म की चीज़ें आप सोच भी नहीं रहे होते लेकिन वो आपके बारे में सोच रहे हो अच्छा खाने का जिक्र कर रहे थे आर यू आई नो कि ट्रेनिंग और उसमें डाइट और वो सारी चीज़ें फॉलो करनी है लेकिन आप वेकेशन पे हैं तो आर यू वन ऑफ दोज कि मैं कहीं से कुछ भी ट्राई करूंगा या मुझे देसी अपना खाना चाहिए पाकिस्तान की याद बहुत आ रही है देसी खाना ज़रूर चाहिए हर दूसरे दिन या हर रोज़ आप बोलते हैं यार नहीं जो भी है मैं ट्राई करूंगा मजे की बात यह है कि देसी खाना मैं सिर्फ घर का खाता हूँ वरना oh. मैं देसी खाना नहीं खाता wow. मैं आ, ना शुगर लेता हूँ डिजर्ट मेरा फेवरेट है फलूदा huh. लेकिन नहीं याद मैंने लास्ट टाइम कब खाया है याद ही नहीं नहीं याद मुझे wow. मुझे नहीं याद मुझे कुल्फी वाला फलूदा एंड दिस बिकॉज़ ऑफ योर ट्रेनिंग बिकॉज ऑफ यस लाइफस्टाइल बन गया अब ऐसा आ गया है कि यू नो इफ़ यू गोइंग आउट विद योर फ्रेंड्स दे ऑफर यू एटलीस्ट एक अ बाइट तो अब उस वो वाली चीज़ भी मैंने पार कर ली है दे डोंट ऑफर मी इवन फॉर अ बाइट उनको पता है कि ये नहीं अब अब ना और अब आ गई है अंदर वो इन करेज uh, आ गई है कि hmm. नो कहना है उसमें हाँ बुरा बनाने वाली कोई चीज़ नहीं है लेकिन यह है कि आई गेट सेटिस्फैक्शन ऑफ नॉट ईटिंग दैट और एनी डिजर्ट और एक ऐसा भी टाइम था कि मैं रोज एक

नहीं एंड जस्ट यू नो मैं बोल रही थी खैर इतना ट्रैवल आपने किया है कोई एक ऐसी जगह जो आपने देखी और आपने कही हो कि ओ माय गॉड ये क्या है आ, एक ड्राइव थी न्यूजीलैंड में हम लोग फ्रॉम क्विंस टाउन टू वी वर गोइंग टू डनीडन और द ड्राइव वाज फॉर अबाउट फोर एंड हाफ आवर्स और वो फोर एंड हाफ आवर्स ऐसे थे कि जहाँ पे एक तो मैं उस राइड में सोया नहीं था Hmm. क्योंकि साइड सीन्स ऐसे ऐसे थे कि कि आपको लग रहा था आ गए या आपने ये सोचना शुरू कर दिया जो, जो ग्रीन है न, वो ग्रीन है। oh. वो आपको एक्चुअली में कहीं देखने नहीं मिलता तो मुझे एक अलग ग्रीन का शेड नजर आता है वहाँ पे उनकी ग्रीनरी की वजह से कोई एक ऐसी जगह जिसको देख के आपने कहा नहीं 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 हाँ हमें जंगल में चले गए थे मसाई मारा कीनिया में अच्छा। और वहाँ पे हमें वी हैड है ओवर नाइट इन द जंगल वेयर वी हैव सीन ऑल द टाइगर्स बिग बिग और वो हाँ मा नहीं जाना मुझे वापस वा इंोर किसी बा... का दिल नहीं होगा yes, तो yes, करती हूँ तो हमारे पास एक गेम है जिसका नाम है क्रिएट योर ओन स्टोरी एक साइड पे हमारे पास फेमस पर्सनालिटीज हैं और एक साइड पे हमारे पास लोकेशंस हैं कंट्रीज हैं आपने फेमस पर्सनालिटी का नाम लेना है किसी भी एक का आप कार्ड उठा सकते हैं यहाँ पर आप किसी भी कंट्री या लोकेशन का कार्ड उठाएंगे ठीक है फेमस पर्सनालिटी लोकेशन एंड मलिक इन तीनों चीजों को मिला के आपने बनानी है अपनी ट्रेवल स्टोरी फॉर एग्जाम्पल यू नो यू विद अली एंड यूर एट मयामी बीच तो आप क्या कर, हम हैं क्या कर, कर? <laughs> 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 रहे हैं हम लोग ढूंढ रहे होंगे लोगों को ओके okay. इसी तरीके से आप कहानी बना सकते हैं सो नाउ वी मूव टूवर्ड्स राउंड वन एक यहाँ से पिक करेंगे और एक यहाँ से करेंगे अच्छा जी अरे यार। <laughs> <laughs> <वैसे> ये हॉस्पिटल <laughs> <फिर्दोस आशिका laughs> आशिक। क्या कर रहे आप ये तो आ, ये स्टोरी बनाने की जरूरत ही नहीं है ये एक्चुअल स्टोरी है क्योंकि मैं और उस वक्त डॉक्टर नसीम अशरफ वो हमारे चेयरमैन थे जब आ, जो आ, मैडम है इन्होंने हॉस्पिटल बनाया था क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी के लिए लेडीज को बहुत प्रॉब्लम होता था ओके तो उन्होंने बीच में पानी आता था आपको बोट के जरिए वो नहर को पार करना होता था गुण। गुण। तो बहुत ज्यादा सम टाइम ऐसा होता था कि बहुत सारी जो लेडीज हैं उनकी जो बर्थ है वो बेबी को बोट में ही दे देती थी गुण। गुण। क्योंकि फैसिलिटीज नहीं थी तो उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल जो है पानी के उस तरफ बनवाया तो ये तो ये ट्रू स्टोरी है ट्रू स्टोरी तो नहीं चाहिए हाँ ये तो अ, मेरी शादी में भी आई थी हैदराबाद ये भी ट्रू स्टोरी है ये भी इसमें हैदराबाद इस में बहुत हैं राउंड टू पे चलते <laughs> हैं। और राउंड करते हैं आज मेरी बात सुने मैं आपको रियल स्टोरी भी बता रहा हूँ फिर थोड़ी सी बीच में बना के भी बता रहा हूँ राउंड हाँ, टू nice. तो करते आ जाए <coughs> नहीं हमें इस दफा इधर से पहले उठाऊंगा अच्छा अच्छा इमरान अशरफ हम लोग अच्छी अच्छी जगहें ढूंढेंगे वहां पे इस्तांबुल में और हम लोग सबसे पहले एक काम करेंगे हम कोई गाइड को हायर करेंगे और उससे पूछेंगे कि हमारे मतलब की जगहों पे लेके जाओ जाओके okay. हाँ। इकरा इकरा अजीज लाड़काना। लाड़काना। अच्छा, अब से आ, और उनके हस्बैंड यासिर से बहुत अच्छी दोस्ती है और इकरा के साथ लाड़काना में क्या हो सकता है वहाँ की क्या स्पेशलिटी है लाड़काना में जो उनका लोकल फूड है हम लोग बैठ के खाएंगे ना चारपाई पे। वाह। पाई नाइस

जितने भी लोग आगे ट्रैवल करते उनमें मैं यही बोलूँगा उनको कि प्लेन में ना जो आपको अच्छा लगे उसके साथ जाके बात करें nice. उससे ना आपको एक तो ये है कि प्लेन में कोई डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता hmm. क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है ना वो खामोश मोस्टली बैठे हुए होते हैं तो वो hmm. डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते तो प्लेन एक ऐसी जगह है कि जहां पे आपको मी टाइम भी मिलता है ना उसी के साथ साथ अगर आपका कोई अच्छा कनेक्शन बन जाए कनेक्टर या, या। तो बस वो फिर लाइफ टाइम वाली दोस्ती बन सकती है अच्छा, ओके। ये ये मैंने देखा है और मेरी बनी भी है ऐसी लाइफ टाइम जो फ्रेंडशिप्स हैं तो मैं ये एडवाइस जरूर करूंगा क्योंकि मैंने ये किया है और इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज नेक्स्ट टाइम अगर आपको शोएब फ्लाइट में मिले तो जरूर जाके बात करें क्योंकि वो और जा... आप मलिक से ही कनेक्ट हाँ, जिंदगी जिंदगी <laughs> भर की दोस्ती में कन्वर्ट हो जाएगा वहाँ बिल्कुल हो जाएगा या तो मैं हाँ मेक श्योर कि मैं कान बंद करके नहीं बैठा हुआ <laughs> <लाईटी। laughs> Alright, people. This was Shoaib Malik on the podcast today. I had a lot of fun. Thank you so thank much for having thank, 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 thank you. Thank you. So yes, this was me Hinata, with Ali and with Shoaib Malik signing out. If you liked today's podcast, do not forget to subscribe and press the bell icon. Take very good care. Allah Hafiz. Orlando में desi food मैं बच्चों को कहीं टिक्का खाने का दे हमारे <laughs> <चारे। laughs> साथ हमारा ड्राइवर था उसको रस्ता याद होता है मैं जैसी कॉन्डो से बाहर निकलती थी वो कहता था, ओ मैम यू वॉन्ट मी टू टेक यू देर वाह